तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिर्ची भरवा बनके तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिर्ची भरवा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मिर्ची भरवा बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने 8 से 10 हरी मिर्च लिया है, थोड़ी सी मोटी वाली लेंगे ताकि इसमें हम अच्छे से आलू के चोखे को भर सकें। तो इस प्रकार से हम मिर्ची को चीर के इसका सारा बीज हम निकाल देंगे। बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे करना है, क्योंकि चाकू आपके हाथों को भी लग सकता है। तो इसी प्रकार से सारे मिर्च के बीज को निकाल देंगे। ये देखिए, बिल्कुल निकल गया सारा बीज। इसी प्रकार से हम दूसरे मिर्च के बीज को भी इसी प्रकार से निकालेंगे। निकालने के समय थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके हाथों को भी चाकू लग सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे उंगली के सहारे भी इस सारे बीज को निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा बीज सारा निकल चुका है, अच्छे से हमने काट के निकाल दिया है इसका बीज। तो इसी प्रकार से हम सारे मिर्च को बीज वाले भाग को काट के सारे बीज को निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारा फाइनली सारा मिर्ची का बीज निकल चुका है। ये देखिए, बिल्कुल साफ हो चुका है। तो उसके लिए हमने एक छोटी साइज का प्याज लिया है और दो आलू बॉयल करके उसे आलू को बॉयल कर लेंगे, और मिर्च का जो बीज है इसे हम रखेंगे। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें थोड़ी सी तेल डालेंगे और इसमें थोड़ी सी हम जीरा ऐड करेंगे, बिल्कुल 1/4 चम्मच के आसपास। जीरे को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसमें मिर्ची का जो बीज हमने निकाला था उसे ऐड करेंगे। आपको तीखा कम पसंद हो तो मिर्ची के बीज को आधा ऐड करें। ऐसे ज़्यादा तीखी मिर्ची हो तो इसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से करें, कम ज़्यादा तीखा पसंद हो तो। अब हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें हमारा प्याज भून चुका है, तो अदरक हमने 1/4 इंच के आसपास लिया है और 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, उसका पेस्ट बना के हम यहाँ पे डालें। तो अब हम यहाँ पे उबले हुए आलू को डालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। इसको हमने मैश कर लिया था, क्योंकि मैश करके ही इसका स्टफिंग तैयार करेंगे। इस आलू का चोखा बोलते हैं हम लोग। तो अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। मसाले फ्रेंड्स, हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। एक चुटकी जीरा पाउडर, एक चुटकी धनिया पाउडर और एक चुटकी हल्दी पाउडर और नमक आवश्यकता अनुसार डालेंगे इसमें, टेस्ट के हिसाब से। मसाले हम बिल्कुल नाममात्र का इस्तेमाल करेंगे इसमें, ज़्यादा मसाला ऐड करने की इसमें ज़रूरत है नहीं। तो ये देखिए, हमारा आलू का चोखा तैयार हो चुका है। इसमें भरने के लिए ये देखिए, हमारा अच्छे से भुन चुका है चोखा। तो अब हम भुने हुए आलू के चोखे को मिर्च में इस प्रकार से डालेंगे। आप चाहे तो किसी चम्मच की मदद ले सकते हैं, या उंगली के सहारे भी इसमें आप भर सकते हैं मिर्ची के अंदर। आपको जैसे सुविधा हो उस हिसाब से आप काम करें। आप डायरेक्ट उंगली के सहारे भी इसे अच्छे से भर सकते हैं। ये देखिए, हमारा अच्छे से भर चुका है। तो इसी प्रकार से हमने और भी मिर्ची में डाला है,
अच्छी तरीके से इस आलू के स्टफिंग को भरेंगे आप। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से एक बार अपने घर पे बना के ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में। तो इसी प्रकार से बारी बारी से हमने सारे मिर्च में स्टफिंग भर दिया है। तो अब हम इसे, ये देखिए हमारा सारा भर के रख दिया हमने, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने पैन में तेल डाला है और बारी बारी से मिर्ची को इस पर डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, मीडियम से भी थोड़ी सी कम, ताकि ये अच्छे से पक सके। देखिए हमने फ्राई पैन को मूव किया है, तो इसी प्रकार से आप धीरे धीरे पकाएंगे और इसे पलटी कर देंगे ताकि ये चारों तरफ अच्छे से पक सके। ये रेसिपी फ्रेंड्स खाने के स्वाद को दुगना कर देगा। तो ये देखिए हमारा मिर्ची का भरवा बनके तैयार है, हमने सारे भरवे को निकाल लिया है और अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए हमारा मिर्ची का भरता बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी हो। एक बार आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी मिर्च का भरवा होता है। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।